हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वत्सनाप के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस का 7वां पॉइंट है और यह प्लांट पॉइजन के अंतर्गत आता है। इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके फेटल डोज के बारे में, फेटल डोज के बारे में, फेटल पीरियड के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में, इसके जो हमारा पोस्टमार्टम अपीयरेंस, और लास्ट में हम देखेंगे इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जान लेते हैं, जो वत्सनाब है उसका क्या लैटिन नेम है, लैटिन नेम क्या है इसका, लैटिन नेम। तो वत्सनाब का लैटिन नेम होता है एकोनिटम फेरॉक्स, एकोनिटम फेरॉक्स। अब हम देखते हैं इसके संस्कृत नेम में, तो संस्कृत नेम भी इसका वत्सनाब है। टाइप ऑफ पॉइजन में हम ये आता है हमारा टाइप ऑफ पॉइजन, तो आयुर्वेद में ये हमारा आता है स्थावर स्थावर वनस्पतिक वनस्पतिक विष के अंतर्गत ये आता है, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये आता है हमारा कार्डियक वेजिटेबल पॉइजन, कार्डियक वेजिटेबल पॉइजन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो एकोनिटम फेरॉक्स इसका लैटिन नाम हो गया, और टाइप ऑफ पॉइजन में हमारा हो गया कार्डियक वेजिटेबल पॉइजन। बात करते हैं सबसे पहले इसका जो टॉक्सिक पार्ट है वो हमारा है रूट या ट्यूबर। जो टॉक्सिक जो पार्ट है इसका होता है रूट या ट्यूबर। ठीक है, तो ये इसका टॉक्सिक पार्ट होता है। बात करते हैं एक्टिव प्रिंसिपल क्या है इसमें, एक्टिव प्रिंसिपल। तो इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो है एकोनिटिन, एकोनिटिन। इसके अलावा भी है बहुत सारे, जैसे एकोनाइन है, पिक्राकोनिटिन है, बेंजोलामाइन है, वो सब ध्यान में नहीं रखा, एकोनिटिन आप ध्यान में रखिए। इसके बाद हम देखते हैं फीटल डोज इसका क्या है, फीटल डोज। तो फीटल डोज की बात करते हैं, फीटल डोज, तो फीटल डोज इसमें एकोनाइट रूट या ट्यूबर जो है हमारा पहला है, एकोनाइट रूट या जो ट्यूबर है इसका जो फीटल डोज है वो है 1 ग्राम, और जो इसका एक्सट्रैक्ट है वो है 250 mg। ठीक है, तो यही जो रूट से या ट्यूबर से जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो 250 mg है। अगर डायरेक्ट रूट वगैरह का आया फीटल डोज की बात करते हैं तो वो 1 mg है। इसके अलावा जो इसका टिंक्चर होता है, टिंक्चर वो होता है 20 से 30 ml, टिंक्चर होता है इसका 20 से 30 ml, इसका टिंक्चर जो है 20 से 30 ml। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, इसका फीटल डोज अगर एकोनाइट का रूट या ट्यूबर है तो 1 ग्राम, एक्सट्रैक्ट है तो वहाँ पे 250 mg, और टिंक्चर है तो 20 से 30 ml यूज़ होगा। बात करते हैं फीटल पीरियड की, तो जो हमारा वत्सनाब है उसका जो फीटल पीरियड है वो वो 1/3 आवर्स से 24 घंटे तक वेरी करता है, 1/3 आवर्स टू 24 आवर्स। ठीक है, मतलब 8 घंटे से 24 घंटे में इसका जो घातक काल बताया गया है। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या आएगा, अगर ओरली कोई खाया है तो इसमें क्या दिखेगा, वहाँ पे फीलिंग ऑफ वार्मथ इन माउथ एंड थ्रोट, तो आपको वहाँ पे जलन महसूस होगी। कहाँ पे, वार्मथ फीलिंग इन माउथ एंड थ्रोट, माउथ एंड थ्रोट। इसके बाद क्या होगा, जलन के बाद ये आपको टिंगलिंग सेंसेशन में महसूस होने लगेगा।
टिंगलिंग सेंसेशन जो कि आपके स्किन तक भी पहुंच जाएगा, निचले माउथ और थ्रोट के अलावा भी स्किन में भी फैलने लगेगा टिंगलिंग सेंसेशन। इसके बाद जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है ये नमनेस में बदल जाता है, ठीक है, नमनेस। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, अगर आपने खाया है तो उस केस में आपको गले में और माउथ में वहाँ पे जलन महसूस होगी, उसके बाद टिंगलिंग सेंसेशन होगा और जो कि स्किन वगैरह तक पहुँच जाएगा, स्किन में भी होने लगेगा। इसके बाद नमनेस हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे इसके सेंसेशन जाएंगे वहाँ पे आपको, या जहाँ जहाँ तक फैलेगा वहाँ पे आपको ये नमनेस महसूस होगा। दूसरी पॉइंट बात करते हैं, इसमें स्लाइवेशन हो और नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलता है। स्लाइवेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो हमें क्या आएगा, मस्कुलर वीकनेस, ठीक है, तो मसल्स जो होगी वो हमारी वीक हो जाएंगी इस केस में, अगर वतनाप की पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। चौथे सिम्टम्स की बात करते हैं, तो जो हमारी पीपल है तो वो पहले क्या होगी, अर्ली स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट होगी और डायलेट होगी, बट लास्ट में ही डायलेट हो जाएगी, जिसको हम हिप्पस बोलते हैं, हिप्पस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, ये पूछा भी जाता है हिप्पस साइन कहाँ देखने में मिलता है, तो आप बताना है कि वत्सनाब में। तो ये क्या होगा, इसमें पीपल जो होती है वो डायलेट हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, पीपल डायलेट। पांचवा पॉइंट हम इसमें क्या रहेगा कि रिस्पायरेशन जो रहेगा वो स्लो हो जाएगा और वीक हो जाएगा, स्लो एंड वीक। चौथा पॉइंट है हमारा, जो हमारी पल्स है, पल्स रेट है और हार्ट रेट है, पल्स रेट और हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगी, वीक हो जाएगी और इरेगुलर हो जाएगी, स्लो वीक एंड इरेगुलर, क्या ठीक है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी देखने को मिल सकता है इसमें। सातवां सिम्टम जो बताया गया है कि कन्वल्जन भी हो सकते हैं, जो कि बाद में कन्वल्जन जो होगा वो प्रोसीड कर जाएगा डेथ में, कन्वल्जन प्रोसीड टू डेथ। अगर कन्वल्जन अलग लगे तो आप समझ लीजिए प्रोसीड टू डेथ, ठीक है, तो आप समझिए कि उसकी मृत्यु निश्चित है शॉक या एक्सफिक्सिया के कारण, ठीक है, शॉक या एक्सफिक्सिया के कारण। बात करते हैं मैनेजमेंट की, अगर किसी को वत्सनाब की पॉइजनिंग हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो कैसे मैनेजमेंट होगा, तो सबसे पहले रिससिटेशन की बात करते हैं। रिससिटेशन तो उस केस में अगर एयरवे मैनेज करना है तो वहाँ पे आप सक्शन, ईट एंडोट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियोस्टॉमी कर सकते हैं। ये ब्रीथिंग मैनेजमेंट के लिए आप वहाँ पे उसको इनहेलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या वेंटिलेशन पे रख सकते हैं। सर्कुलेशन अगर ठीक नहीं है, सर्कुलेशन मैनेजमेंट के लिए आपको वहाँ परक्यूटेनियस या कार्डियोपल्मोनरी सपोर्ट देना पड़ेगा। और एरिथीमिया के केस में वहाँ पे इंजेक्शन लिग्नोकेन लगाना पड़ेगा, एरिथीमिया के केस में इंजेक्शन लिग्नोकेन आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा रिससिटेशन की बात। बात करते हैं हम रिमूवल ऑफ, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। तो जो हमारा पॉइजन जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है अभी तक, उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो आप सब जानते हैं कि अगर पेशेंट जो है कॉन्शियस है, वो ओरिएंटेड है और उसके जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल हैं, तो उस केस में वहाँ पे आप इमेसिस करवा सकते हैं, जो कि सॉल्ट वाटर के द्वारा होगी या तो सिरप ईपीकैक के द्वारा। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो वहाँ पे अनकॉन्शियस है, ओरिएंटेड नहीं है, तो उस और इसके वाइटल्स स्टेबल नहीं है, तो उस केस में आप वहाँ पे स्टमक वाश करा सकते हैं KNO4 सॉल्यूशन के थ्रू। और माइल्ड परगेशन भी कराते हैं हम यहाँ पे अनएब्जॉर्ब पॉइजन को निकालने के लिए, MgOSO4 सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं या सोडियम सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूज़ ऑफ एंटीडोट।
तो मैकेनिकल में आप जानते हैं कि मिल्क का प्रयोग होगा, मैकेनिकल में मिल्क का प्रयोग होता है, और जो हमारा स्पेसिफिक एंटीट्यूड है वत्सनाप का, उसमें हम टंकण और घृत का प्रयोग कर सकते हैं। तो टंकण और घृत का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हरिद्रा स्वरस, टंडुली स्वरस और टंकण और घृत, इसमें इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हरिद्रा स्वरस और टंडुली स्वरस का भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, मतलब टंकड़ और घृत के साथ हम हरिद्रा स्वरस और टंडुली स्वरस का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ वत्सनाप। पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ वत्सनाप, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हमको सबसे पहले हम देखते हैं तो एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में क्या देखने को मिलेगा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की, उसमें पैलर देखने को मिलेगा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ में भी पैलर, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल फाइंडिंग की बात करते हैं, इंटरनल फाइंडिंग की, तो इंटरनल फाइंडिंग में स्टोमक में हमें इन्फ्लामेशन और कंजेशन देखने को मिल सकता है। इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन देखने को मिल सकता है, और जो भी फ्रैगमेंट है या रेसिड्यू हैं रूट के, वो देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट ऑफ रूट रेसिड्यू, ये भी पाए जा सकते हैं स्टोमक में। इसके अलावा जो हमारे लंग्स हैं, उसमें लंग्स और ब्रेन में कंजेशन और इंगॉर्जमेंट देखने को मिल सकता है। कंजेशन एंड इंगॉर्जमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा मेडिको लीगल एस्पेक्ट। अब बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ वत्सनाप। तो क्या होगा मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो बात करते हैं। तो एक्सीडेंटल केसेस नहीं देखने को मिलते हैं वत्सनाप में, वेरी रेयरली फाउंड। सुसाइडल केसेस आर ऑल्सो वेरी रेयरली फाउंड। होमिसाइडल, इट कैन बी यूज एज अ होमिसाइडल बिकॉज इट इज अ आइडियल होमिसाइडल पॉइजन। आइडियल होमिसाइडल पॉइजन बिकॉज इट इज चीप, इजली अवेलेबल। इट इज आइडियल होमिसाइडल पॉइजन बिकॉज इट इज चीप, इजली अवेलेबल अवेलेबल स्मॉल लीथल डोज, वेरी वेरी फ्यू डोज, वेरी फ्यू डोज, ठीक है। वेरी स्मॉल डोज, इफ गिवन इन वेरी स्मॉल डोज इट कैन बी फेटल, दैट्स वाई इट इज आइडियल होमिसाइडल पॉइजन। एंड इट इज ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट, सो दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी आइडियल होमिसाइडल पॉइजन बिकॉज इट इज स्वीट इन टेस्ट। सो टेस्ट कैन नॉट बी फाइंड, चीप इजली अवेलेबल एंड वेरी स्मॉल लीथल डोज। एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज एज कैटल पॉइजन। तो यहाँ तक देख लिया हमने वत्सनाप का फीटल डोज, फीटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मैनेजमेंट। तो कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो अपना कमेंट या अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं अपना, ठीक है। जो कि हमारे ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका भी
नाम है BMS ज्ञान। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।